तो दोस्तों आज 22 अगस्त 2022 और आज मैं लेके आऊँ आपके लिए फिर से गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फाइनवेस्ट लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालिस। और इस कंपनी के ऊपर खासकर वीडियो बनाने के लिए हमें तरुण जी ने कमेंट किया था, ठीक है। सो अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू कर दें। मैं आपको सबसे पहले इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। तो कंपनी का अगर फाइनेंशियल रिजल्ट देखा जाए मार्च 2022 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 120% का ईयर ऑन ईयर, और कंपनी का नेट इनकम रहा यहाँ पे 309% का। कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉफिट में है 85% से ज़्यादा इस साल में। ऑपरेटिंग इनकम रहा कंपनी का जो है वो 444% का, ठीक है। तो मैं आपको कंपनी का फंडामेंटल समझाता हूँ, तो लेकर चलता हूँ आपको screena.in पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमांड अकाउंट है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है, जिससे आप ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ ये कंपनी जो है ये फाइनेंस और इन्वेस्ट पे काम करता है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप देख सकते हो 52.1 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस 1 रुपये पे आ चुका है, कुछ दिन पहले हाईएस्ट बनाया था लगभग 2 रुपये के आसपास। और अगर लोएस्ट प्राइस देखा जाए तो इस साल में इस कंपनी का लोएस्ट प्राइस रहा दोस्तों 28 पैसा। कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा सा नंबर्स नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही महंगा है। बुक वैल्यू देखेंगे कंपनी का 1 रुपया 2 पैसे का है। ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है। इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर भी थोड़ा सा नीचे है, 0.39% है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर नंबर्स देखेंगे तो 0.34% है। एक पेनी स्टॉक्स के मुताबिक अगर देखेंगे पेनी स्टॉक्स के नज़रिए से तो अब तक के मुताबिक थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप एक स्मॉल कैप या अच्छे कंपनी देखेंगे तो इसका फंडामेंटल बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो पेनी स्टॉक्स में सबसे पहले फंडामेंटल होता ही नहीं है, उसमें लक काम करता है, कभी भी फंडामेंटल बहुत कम टाइम पे काम करता है, ठीक है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपये का है। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी जो है वो डेब्ट फ्री है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.98 टाइम्स इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का नंबर्स भी इस वक्त थोड़ा सा नीचे आ चुका है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है, आप देख सकते हो बीते 5 सालों के मुकाबले में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 20% का घट चुका है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग जो है 6.5% के आसपास है, और कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी पे बीते 3 सालों के मुकाबले पे 0.16% इक्विटी पे रिटर्न दिया है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके आपको कंपनी का सेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च के क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस हुआ है 0.60 करोड़ का, कंपनी का सेल हुआ है 0.80 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी प्रॉफिट में रहा है 0.20 करोड़, ठीक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट में जो बीते 2 क्वार्टर था उससे यहाँ पे बहुत अच्छा जंप मारा है कंपनी का जो सेल्स प्रॉफिट है, 0.17 करोड़ कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट में है। ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो 1.11 करोड़ कंपनी का एक्सपेंस हुआ है इस साल में, और यहाँ पे कितना सेल कितना हुआ है 1.32 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस साल में रहा कंपनी 0.21 करोड़ प्रॉफिट में। इसका अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2020, 2021 और 2019 ये तीनों साल के मुकाबले पे बहुत अच्छा जंप मारा है, 0.18 करोड़ कंपनी प्रॉफिट में है इस साल में। ये रहा कंपनी का ईयर ऑन ईयर का जो प्रॉफिट और लॉस है। बैलेंस शीट अगर देखेंगे दोस्तों तो बैलेंस शीट में भी आपको थोड़ा सा ठीक ठाक नज़र आएगा बैलेंस शीट, हालांकि थोड़ा सा 2-3 सालों में थोड़ा सा मतलब अभी जो है बैलेंस शीट भी एकदम पूरा एवरेज पे चल रहा है, ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, थोड़ा सा ज़रूर घटाया है आप देख सकते हो बीते 3 सालों के मुकाबले में। तो इस वक्त कंपनी का जो एसेट है 62.21 करोड़ का कंपनी के पास एसेट है, ठीक है। और अगर कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जून के क्वार्टर तक यहाँ पे अपडेट हो चुका है 93.64% पब्लिक का होल्डिंग है, और यहाँ पे 6.36% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है। तो एक पेनी स्टॉक्स के नज़रिए से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है, ठीक है। पेनी स्टॉक्स में सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर कभी भी फंडामेंटल नहीं देखता है, वो सिर्फ सिचुएशन देखता है, समय देखता है, ठीक है। समय के हिसाब से वो निवेश कर देता है क्योंकि उसे पता रहता है अगर सही समय पे आप निवेश किया तो आपको पेनी स्टॉक्स ही वो ऐसा स्टॉक्स है जो सबसे ज़्यादा आपको मुनाफा दिला सकता है कम समय पे। और क्योंकि पेनी स्टॉक्स बहुत ही रिस्की भी होता है, कम समय पे आपका पैसा डूबो भी सकता है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको इस कंपनी का चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके दिखाता हूँ क्या रिजल्ट निकलता है। तो कंपनी का अगर मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न में 97% से ज़्यादा कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। इसका शेयर प्राइस 2014 में 50 रुपये का शेयर हुआ करता था, 50 का शेयर गिर के आज 1 रुपये पे आ चुका है, हालांकि इससे भी ज़्यादा गिरा था, यहाँ पे 20-25 पैसे पे भी आ चुका था इसका शेयर प्राइस।
तो इस वक्त जो है ये पूरा एकदम कंसोलिडेटेड जोन पे बिजनेस कर रहा है। अगर आप पेनी स्टॉक्स पे निवेश करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में सबसे अच्छा मौका है जब जो शेयर प्राइस है जब नीचे आता है उसी टाइम निवेश करना होता है। ऐसा नहीं कि एक दौर पकड़ लिया अपर सर्किट में चल रहा है उसके बाद आप निवेश करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि चलती ट्रेन में कभी भी कूदी नहीं उड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चलती ट्रेन में बैठेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर आप इसका मैक्स 5 ईयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 94% का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मौका बनने को मतलब रेडी है, बस कभी भी मौका बन सकता है। यहाँ पे 94% से ज़्यादा कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, मतलब आपको इस वक्त 20-25 रुपये का शेयर, अगर आप 5 साल के मुकाबले में देखेंगे तो 20 रुपये का शेयर आपको इस वक्त 1 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। और ये शेयर और भी सस्ता हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसका। 1 ईयर के मुताबिक देखेंगे तो यहाँ पर 200% का शानदार रिटर्न दे चुका है, हालांकि बहुत ही ऊपर गया था, 2 रुपये बना के कंपनी धीरे धीरे नीचे आया। अभी भी एकदम डाउन ट्रेंड की तरफ, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड तो नहीं बोल सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट जोन पे है कंपनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च मई मई 5 मई 2022 के बाद ये नीचे आया ज़रूर। यहाँ पे 2 रुपये का शेयर गिर के 1 रुपये पर ज़रूर आ चुका था, बट यहाँ पे रिकवर करना शुरू हो चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 रुपया 5 पैसा बनाया, फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के जोन पे है। तो अगर आने वाले दिनों में अपर सर्किट लगता है तो ये बहुत ऊपर जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों अगर मैक्स 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो 112% का शानदार रिटर्न दे चुका है बीते 6 महीने के अंदर। 6 महीना पहले इसका शेयर प्राइस 45 पैसे का हुआ करता था, 45 पैसे का शेयर यहाँ पे देख सकते हो 2 रुपया बना चुका था, 2 रुपये के बाद ये फिर से नीचे आया है। अभी मैं फिर से बताता हूँ ये रिट्रेसमेंट के जोन पे है, एकदम डाउन ट्रेंड भी नहीं बोल सकते, अप ट्रेंड भी नहीं हुआ। अप ट्रेंड तो बोल सकते हैं क्योंकि कोई भी शेयर इतना तेज़ी से ऊपर जाएगा थोड़ा सा तो करेक्शन करेगा, ठीक है। करेक्शन के बाद आप निवेश कर सकते हैं अगर आप पेनी स्टॉक्स पर निवेश करना चाहते हैं, और अगर आपको पेनी स्टॉक्स की एक्सपीरियंस है तो ही निवेश कीजिए, नहीं तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। 1 मंथ के चार्ट पैटर्न के मुताबिक आप देख सकते हो अप ट्रेंड पे ही था, ज़रूर अप ट्रेंड पे था, 26% का रिटर्न दे चुका है, हालांकि थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 5 डे का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। मैक्स 5 डे में एवरीडे 5% का रिटर्न देना शुरू हो चुका था, 2 दिन से रिटर्न दिया, फिर यहाँ पर तीसरे चौथे दिन में फिर से नीचे आना शुरू हो गया, यहाँ पर 0 कंपनी का जो है रिटर्न है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इस कंपनी का जो आज के दिन दिखा देता हूँ। आज के दिन ये जो शेयर है ये नेगेटिव रिटर्न दिया है लगभग 5% का। तो ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन के बाद आप थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं। निवेश करने से पहले दोस्तों मैं फिर से बताता हूँ, आप अपनी तरफ से प्रॉपर रिसर्च कर लेना कंपनी को, क्योंकि पेनी स्टॉक्स बहुत ही रिस्की होता है, आपको डुबो सकता है, आपको करोड़पति भी बना सकता है। तो ये थी हमारी आज का पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा एनालाइज कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।